फौज किसी खास सियासी सोच, जाविये या जमात की तरफ रागिब नहीं, सब काबिल एहतराम है। ताकत का असल महवर आवाम है। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में धकेलना मुल्की मफाद में नहीं। फौज और हुकूमत के गैर सियासी आइनी रिश्ते को सियासी रंग ना दिया जाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ गुफ्तगू गैर आइनी और गैर जिम्मेदाराना है। फौज का डिसिप्लिन इजाजत नहीं देता कि हर बात का जवाब दिया जाए। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दिफा की रिपोर्ट हकायक पर मबनी है। कश्मीर भारत का टूट अंग न है और न कभी होगा। भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारतीय क्यादत की गीदड़ भपकियाँ और दरअंदाजी के इल्जाम सियासी एजेंडा हैं। फोर्सेज ने बलूचिस्तान और KP में अमनो अमान खराब करने की साजिशों को नाकाम बनाया। आज मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाए, केस में पूरा मुल्क मेक और ब्रेक की कैफियत से दो चार है। फुल कोर्ट बेंच बिठाएं, जो फैसला होगा कबूल होगा। वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला का फैसलाबाद में खिताब। और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की सियासी रुफका और कानूनी माहिरीन से मुशावरा। सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर ब्रीफिंग दी। PTI के साथ मुजाकरात करने हैं या नहीं, फैसला कल इत्तेहादियों के इजलास में होगा।